नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ लता और मेरे चैनल लता द फूड स्टार में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ठंडी का सीजन है और गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद है, भाई मेरा तो फेवरेट है। तो अगर गाजर का हलवा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बन जाए तो खाने में और देखने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के इस यूनिक रेसिपी गाजर का हलवा विद खोआ के साथ। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर को अच्छे से छील के उसे कद्दूकस करके ले लिया है और मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध मैंने एक कढ़ाई में लिया है और 1 लीटर दूध मैंने एक कढ़ाई में लिया है। एक में हम खोआ बनाएंगे और एक में हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है कि अपने हाथों की एक्सरसाइज, अपने दोनों तरफ के दूध को अच्छे से घुमाते रहना है ताकि वो तले में जले नहीं। रबड़ी या गाजर का हलवा बनाने के लिए आप कभी भी बड़े मुंह वाली कढ़ाई लें ताकि वो जल्दी से वेपराइज हो जाए दूध में जो भी पानी होता है। तो इस दूध में उबाल आ गया है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी गाजर। तो जो गाजर मैंने घिस के लिए थे कद्दूकस करके, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सारे गाजर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से घुमाते रहेंगे। गाजर के हलवे की एक और रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इसे इस तरीके से घुमाते हुए हमने दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। हलवाई रबड़ी बनाते समय दूध में मिल्क पाउडर मिलाते हैं, उससे क्या होता है कि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। अगर आप भी चाहें आपके घर में अवेलेबल हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर मिला दें 1 कप के करीब, तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं गाजर का हलवा रेडी हो गया है। तो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप ऑफ शुगर। गाजर का हलवा और हमने इसे पूरे दूध में बनाया है तो ये मीठा होगा, आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड ना करें। और फिर इसके साथ में खोआ भी है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड करें। तो गाजर का हलवा रेडी है, मैंने उसका गैस ऑफ कर दिया। तो हमारा खोआ भी रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आपने गैस ऑफ कर देना है और इसमें ऐड कर देना है शुगर। तो मैं यहाँ पे 3 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ और गैस को हम ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। तो मैंने ये शुगर ऐड कर दिया और अब मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो फिर चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में। यहाँ पे हम पहले जो हमने खोआ बना के लिया था वो डाल देंगे। आप कैसी भी लेयरिंग कर सकते हैं, मैंने पहले खोआ की लेयर किया है, उसके बाद इसके ऊपर मैं इस तरीके से गाजर का लेयर करूँगी, उसके ऊपर फिर मैंने खोआ का लेयर किया है। आप चाहे तो पहले गाजर फिर खोआ फिर ऊपर से गाजर, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया है आपको। तो इसे गार्निश कर देंगे पिस्ता के साथ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उसके साथ गार्निश करें। आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं और खाने में भी दोनों बहुत टेस्टी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।